बहुत ही बेस्ट है, कंफर्टेबल है कार। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी मैं जा रहा हूँ, मेरी फ्रेंड का एंगेजमेंट है। देखिए, एक टाइम था सभी साथ में फ्रेंड्स साथ है, लेकिन अभी सभी फ्रेंड्स का सभी एंगेजमेंट हो रहा है, मैरिज हो रहा है। वही देख रहे हैं कि कितना जल्दी टाइम पास हो रहा है बोल के। सब लोग साथ में खेलते थे, अब वही मैं भी, मेरे फ्रेंड सादिक भी आए थे अभी मॉर्निंग पे, हम वही बात कर रहे थे। आज उसका एंगेजमेंट है और मुझे इन्वाइट भी आया है, जाना है। तो अभी मैं और सादिक जाके आते हैं, मैं निकलता हूँ, लेट हो गया ऑलरेडी। अभी गुड मॉर्निंग में नहीं, गुड आफ्टरनून हो गया है, क्योंकि अभी बज रहे हैं आफ्टरनून के 1:30। तो अभी निकलता हूँ, रेडी होके। कौन सा कपड़े पहनो? मेरा अभी तक वो टी शर्ट नहीं मिला, बहुत ही फेवरेट था, बहुत ही मस्त था। मैं वो कुछ अलग पैटर्न करके पहनने वाला था, लेकिन उसी टाइम पर नहीं मिल रहा है। देखिए, आज का गेटअप ये है। तो फिर अभी मैं जाके आता हूँ। तो सादिक भी आते हैं हमारे साथ, न्यू घर शिफ्ट हो गए वो, मुझे भी पता नहीं किधर बोल के। बोल रहे थे यही एरिया और रेड स्कूटी, तो यही स्पॉट हो रहा है। नया बिल्डिंग बोल रहे थे शायद, यही कितना फ्लोर, कौन सा फ्लोर क्या, मुझे पता नहीं। तो अभी सादिक भी मिल गए हैं और अभी मैं और सादिक जा रहे हैं, लेट हो गया है, 2:30 हो गया है। अभी मेरी फ्रेंड ही थी ना, इसलिए मेरे तरफ से एंगेजमेंट का तोहफा जैसा मैं एक छोटा सा वीडियो करके दे रहा हूँ। बोलो, बहुत जल्दी आ गई है। वीडियो सब निकाल दिया हूँ और अभी जा रहा हूँ रिटर्न घर को, मैं और सादिक दो लोग जा रहे हैं। और भाई ने कुछ करने का बोल रहे थे, कुछ पैराशूट जैसा कुछ कर रहे हैं बोल के, जाके घर पे देखते हैं क्या कर रहे हैं बोल के। वेट लॉस होते हैं, मतलब ऊपर ज्यादा जाते हैं, लाइट वेट होते हैं। अंगर तालीन के साइड में आजू बाजू गर्म अंगर में ऊपर से भाप दिया था नहीं। तो भाई कुछ नया ट्राई करने वाले हैं, तो मुझे तुम्हें बोलने में फ्लॉप दिख रहे। अब इसका प्रोसीजर क्या बोलो? हॉट एयर भरना है क्या? अब प्रोफेशनल हाथ से जरा डाल का हवा टेस्ट करेगा कितना गर्म है। पकड़ ले, हेल्प करे भाई, नहीं आराम से देख लेगा। जा जा, भैया का पैराशूट हो गया सक्सेस। वो मनमाना पड़ा पैराशूट का बॉस बोल के। तुम हेड एयर में हवा चल रहे थे ना, तुम्हें गौड़ रहा था ना उसने में। भाई हीट बना था, अच्छा नाचना जाने आंगन टेढ़ा, एक्सपेरिमेंट वेरीफाइड। जो देख बोले मैं कोई बोला नहीं, फ्लॉप दिख रहा करूंगा। आप भी अगर फ्री हो तो, कुछ भी काम करने के लिए नहीं हो तो ये ट्राई कर सकते हैं जरूर। तो अभी सादिक भी जा रहे हैं घर को रिटर्न, उनको ड्रॉप करने के लिए जा रहा हूँ। और वैसे ही थोड़ा बाजार में काम है, वो भी कम्प्लीट करके आऊंगा साथ में। और आज का वेदर देखिए, पूरा ठंडा पड़ चुका है आज। आफ्टरनून में बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रहा था, अभी बहुत ही ज्यादा ठंड लग रहा है। तो अभी मैं और सादिक कुछ खाने के लिए आ गए, ऐसा ही भूख लग रहा था। बिफोर यू में आ गए फ्राइड राइस खाने के लिए। यूजुअली खाते रहते हैं, मैं आया था, मैं तब चले गए यहाँ का चटनी दो। हाँ, और कोल्ड ड्रिंक दे दो। चिकन नहीं बोले थे, ऑलरेडी चिकन पीसेस नहीं। तो अभी सभी काम हो गए समाप्त और अभी मैं जा रहा हूँ घर को। अभी एक बड़ा कंफ्यूजन में हूँ, घर को जाके अब क्या कंफ्यूजन है बल्कि क्लियर करना है, उसके बाद आपको बताऊंगा। तो हाँ, अभी मैंने एयरपोर्ट सेकंड जनरेशन वाला बुक कर दिया हूँ ऑनलाइन में, 12th अक्टूबर तक आ जाएगा। आने के बाद उसका क्या है, कैसा है, रिव्यू वो सभी दे दूंगा। तो फिर आखिर कितने बजे शिपा? कितने बजे? अभी 22:11, 10:11 बज चुके हैं। अभी सब खाना खा चुके हैं मेरे अलावा, और मैं रिप खाना खाया, तो मैं ही सिर्फ खाना पकाया। सिर्फ खाना खाया, सब भी खाए, मैं अकेला बाकी हूँ। तो अभी मैं भी खाने के लिए जा रहा हूँ। क्या बोल रहे? बोल बोल, दर्शन वाला नसीब वाला, मुझे ऐसे दीदी मुझे बोल बोला कहीं को बदनसीब वाला, तो बदनसीब कल ऐसा पकड़ लेते तो बोल रहे बोल हरे बोल बोल शर्म देगा बच्चे को, ये लाल सिलावा। तो अभी बजे एक्चुअल रात के 12:46 और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया रात का। तो अभी बैठूंगा खाने के लिए, अभी एक अर्जेंट कॉल आ गया था वीडियो एडिट के लिए, तो वो अर्जेंट से एडिट करके वो भी देना पड़ा, वो दे के अभी मैं बैठ रहा हूँ खाने के लिए। तो कल शाम तक अपलोड हो जाएगा ये ब्लॉग भी। तो फिर अभी रात हो गया है और मैं अभी खाने के लिए बैठता हूँ और ये ब्लॉग इधर ही एंड करता हूँ। हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे आप लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अभी मैं जा रहा हूँ शिमोगा, भरत भाई जो है उन्होंने लैपटॉप लेने का प्लान किया है और लैपटॉप के बारे में मुझे थोड़ा नॉलेज है, तो इसलिए मुझे भी बुला रहे थे। और मेरा भी थोड़ा काम है लैपटॉप का, तो वैसे ही वो भी काम कंप्लीट कर लूंगा और भरत भाई का भी काम हो जाएगा। तो अभी रेडी सभी हो चुका हूँ और अभी निकलने का बाकी है, संपत आ रहा है पिक करने के लिए। और अम्मी ने ये बात सुन लिया, तो जल्दी उठ के गर्म दूध करके दे रहे हैं। तो अभी संपत भी आ गया है, मैं निकल रहा हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था, तो अभी मैं होटल पे आके ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। आज ब्रेकफास्ट में डोसा और। तो अभी हम आ चुके हैं शिमोगा को और इधर से कुछ इनके बाइक के पास मिलके उनकी इधर लंच करेंगे और सब बात देखेंगे। और मुझे भी मेरा भी KFC, KFC.
केएफसी का मुझे भी आई कॉर्नर पे जाके थोड़ा मैक दिखाना है। देखो शमा का मैं अभी न्यू अपडेट आ गया है, ये रोड में अभी सिग्नल भी आ गया, पहले नहीं था। तो अभी इनके भाई इधर वर्क करते हैं, तो इधर वर्क करते हैं। देखो तो अभी मैं बैठा हूँ जीप कार में, बहुत ही बेस्ट है, कंफर्टेबल है कार, बैठने के लिए बहुत ही बेस्ट है हैंडलिंग। एक दिन इंशाल्लाह जरूर लूंगा कार, लेकिन ये वाला कार नहीं, प्लान है लेने के, लेकिन अभी नहीं, बहुत ही टाइम लगेगा, तो बहुत ही मेहनत लगेगा वो जो मैं कर रहा हूँ। अगर आप साथ में रहे तो जल्दी से जल्दी मेरा वो सपना भी पूरा हो सकता है। बहुत ही शॉर्ट है, देखो मेरा जितना है कि है, ज्यादा कुछ है। इधर भरत भाई को सब ढूंढ रहा हूँ, वो जाके कार में बैठ भी चुके हैं। तो अभी हम आ चुके हैं डिजिटल रिलायंस को लैपटॉप लेने के लिए। टीवी देखो कितना ही चिड़ी है सर, चाहिए तो आप ले सकते हैं, आपके शेख पास बोल दो डिस्काउंट मिलेगा। मजाक में बोला लेकिन सच में आके बोल के मार मत खाओ, बात कमेंट में मत मेंशन करो कि मार दिया बोल के। देखो गाइस अभी मेरे हाथ में 15 प्रो मैक्स, मुझे इसको देखने की याद ही नहीं, भरत भाई दिखा दिया अभी, बहुत ज्यादा ब्राइटनेस है। भरत भाई ने लिया ये वाला, अफोर्डेबल प्राइस में लिया है। स्पीकर कोडस्तीनी गिफ्ट आएगी मेरे तरफ से, गिफ्ट मत निजान को ना किधर है, ये दिलाने वाला था लेकिन ये क्या हो गया है, थोड़ा बेंड हो गया है, कर्व हो गया है। देखो कितने शातिर इंसान है, सभी गैस ऑन रखे जा रहे हैं, अगर गैस ब्लास्ट हो गया तो यही रीजन है, पूरे गैस ऑन करके भाग जाएंगे। तो अभी हम गए थे इधर पेंटिंग वाले शॉप को, जो मेरा पुराना हॉबी था, जो पुराने वीडियो सब आते थे वो वाला। तो अभी मैं सोच रहा हूँ थोड़ा स्केचेस करने के लिए, है बुक सभी घर पे है, लेकिन फिर भी जब अंदर गया तो थोड़ा कुछ ना कुछ लेने के लिए मन हो रहा था। कैनवस शीट सब उसके लिए लिया था, लेकिन पेंसिल स्केचेस है और पेंटिंग के लिए भी यूज हो सकता है। लंच के लिए आ चुके हैं हम, तो अभी भरत भाई का ट्रीट है जो हमने मंगाया है लंच के लिए, KFC। तो अभी लंच भी खा के हो गया, अभी और निकल रहे हैं, मेरे काम को थोड़ा सा काम है वो कंप्लीट करके घर को जाने का है ना। तो अभी भरत भाई है ना उनके भाई के घर को जा चुके हैं, मेरा थोड़ा काम टाइम ले रहा था, अभी आएंगे तो वेट कर रहा हूँ तब से, आने के बाद सीधा घर को निकलते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं चित्रकारी को, तो अभी बज रहे हैं शाम के एग्जैक्ट 7 और अभी हम घर जा रहे हैं, आज शूट नहीं है कुछ। तो अभी आ गया हूँ मैं घर को और देखो भाई भी आ गए अभी, और बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ। तो अभी जो मैं शमगा से लिया था पेंसिल स्केचेस वाला, ये इसके अंदर क्या है पता है, ये मेरा जो पुराना स्केचेस वाला सभी पेंसिल्स, जो मेरा ब्लेंडिंग टूल सभी जो है सभी उसके अंदर है, बन के रखा था बहुत दिनों से, वर्क के थ्रू मुझे स्केचिंग करने के लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था। और मेरी एक फ्रेंड है और उसका भी बहुत ही सजेशन आ रहा था कि ये स्केच करके दे दो बोल के, तो मैं आज उसका फेस स्केच करने जा रहा हूँ, करने के बाद आपको दिखाऊंगा तो कैसा स्केच आएगा बोल के, मुझे भी आइडिया नहीं है, देखते हैं कैसा आएगा बोल के। ये है मेरा स्टाइलस पेंसिल, देखो इसमें रस सभी लग है। तो ये 8 लाइन पेंसिल्स है, ये भी बहुत ही बेस्ट क्वालिटी में था, स्टैडलर से भी ज्यादा मुझे ये भी पसंद है। तो ये ब्लेंडिंग टूल्स पता है आपको सभी इसके बारे में थोड़ा नॉलेज नहीं होगा, फिर भी बता रहा हूँ, चारकोल पेंसिल, ब्लेंडिंग टूल, मोनोजर इरेजर है ना, और ये ब्लेंडिंग रबर आ गया हमारा, ब्लेंडिंग टूल्स, इतना सब कुछ है। तो फिर चलो करने के बाद मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा प्रोसीजर नहीं दिखाऊंगा, ऑलमोस्ट अभी खत्म होते आ गया है, थोड़ा सा बाकी है। तो करीबन 1.5 आवर से मैंने स्केच करना स्टार्ट कर दिया था, तो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट होते आ गया, अभी दिखाता हूँ, फिर कंप्लीट होने के बाद भी दिखाऊंगा और इसका ओरिजिनल फोटो कैसा है बोल के भी वो भी दिखा दूंगा। तो अभी इतना होते आ गया है, आर्ट को जो रियल में देखने का एक्सपीरियंस है वो वीडियो में वैसा नहीं दिखता, फिर भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा बेटर लग रहा है, अगर आप रियल में देखे तो पता चलेगा कि इसका डिटेल्स क्या है बोल के, शेड सब क्या है बोल के। अभी हो गया है मेरा स्केच कंप्लीट, देखिए कुछ ऐसा लग रहा है, बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं आर्टिस्टिक्स में किया था, और अगर फोटो के जैसा बैठ के करना चाहूं तो कर सकता हूं, टाइम नहीं था तो ऐसे ही रफली कर दिया, देखो तो कुछ ऐसा हो गया है। और ये मेरी फ्रेंड स्वस्ती है, और ये स्केच कैसा लगा बोल के कमेंट कर दो, और ये व्लॉग इधर ही एंड कर रहा हूँ, बहुत ही रात हो चुका है और अभी तक मैंने खाना भी नहीं खाया, तो फिर अभी मैं खाना खाने के लिए बैठता हूँ ये व्लॉग एंड करके। होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो लाइक करो, और ये व्लॉग कैसा था बोल के कमेंट करो, और मेरे साथ अभी से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करो। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, सी डिम, टेक केयर, टाटा। थैंक यू, बाय, गुड नाइट, सी डिम, टेक केयर, टाटा।